we have a concept of clarity call and we have a concept of coaching sessions, coaching and coaching. Clarity call का objective होता है clarity लाना, ठीक है? Why, so जो what है, why and what, ये भी एक बहुत important outcome या result है. जरूरी नहीं है कि हम हमेशा how की ही बात करें. तो how की बात करना जरूरी है और उसके ऊपर, लेकिन how से पहले what, तो लोगों को इस क्लैरिटी पे लाना कि करना क्या है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आउटकम है. क्योंकि मेजोरिटी लोगों को यही क्लियर नहीं होता कि करना क्या है, क्या वो सीधा कैसे, वो सीधा सॉल्यूशन पे जंप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करना आता ही नहीं है कि आपको कैसे पता कि यही सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना. उनको ना फट से ना कोई सॉल्यूशन, बस बस कर दो, कुछ भी कर दो, मेरे को इस प्रॉब्लम से बाहर. तो उनको ना सीधा प्रॉब्लम से सीधा सॉल्यूशन पे जंप करना, उनको उनका टाइम नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का, बीच में ये करने का. तो लोगों को ये ऐसा लगता है. तो लेकिन हम क्लैरिटी कॉल में हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को क्लैरिटी दें इस चीज की कि करना क्या है. अब कई बार ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं, तो लाइक आई वाज सेइंग कि उनका ना कुछ कुछ बेस बन चुका है, तो उनकी क्लैरिटी कॉल ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ मिनी कोचिंग सेशन इटसेल्फ. क्योंकि उसमें ना उनको 15-20 मिनट आधे घंटे में ही हाउ भी समझ में आ जाता है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने वो ना कहीं पे जैसे अटक गए थे, एक छोटी सी चीज में अटक, उनका ध्यान नहीं था कि अच्छा ये मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था. ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आज तेजस का एग्जाम्पल लेते कि तेजस ने एनर्जी हीलिंग कर ली है, उसने वो बीज मंत्र उसका सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसने ना कनेक्ट नहीं किया कि अच्छा एनर्जी ब्लॉक्स, मुझे अपनी एनर्जी सिस्टम पे काम करने का, जबकि उनको क्लियरली बता रखा है कि ये करना है, इसको रेगुलरली करना है, पर वो नहीं कर रहा है, नहीं करने से भूल जा रहा है. तो उसका जो हाव है वो ऐसा हाव नहीं है कि जो मुझे उसको कुछ नया सिखाना है, उसका जो हाव है वो बस मुझे उसको ध्यान लेके आना है कि ये कर, तो उसका काम हो गया. वो क्लैरिटी कॉल में आएगा, उसका 15 मिनट में काम हो जाएगा, क्योंकि उसका काफी बेस बन चुका है और उसको ऑलरेडी वो चीज मिल चुकी है जो वो भूल गया है कि उसको मिल गई, तो बस मुझे उसका ध्यान वापस आना कि ये कर, तो हो गया वो उसका, वो ही विल करें फिर से, ओके ओके गॉट इट, सो ही विल जस्ट गो बैक एंड ही विल स्टार्ट डूइंग व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉट हिम टू डू, पर वो कर नहीं रहा था, वो भूल गया. तो ये एक टाइप का हाउ जो हम बड़ी जल्दी लोगों को मिल जाता है, क्योंकि उनका एक बेस बन चुका है. फिर वो लोग होते हैं जिनका कुछ बेस नहीं बना है, जिन्होंने हमारे साथ कुछ ज्यादा काम नहीं किया एंड ऑल दैट, उनके लिए हम हाउ में नहीं घुसते, उनके लिए हम व्हाट तक रहते हैं और उनको हम डिस्क्राइब करते हैं कि अब आपको ये करना पड़ेगा. अब मान लो कि उनको हमने बताया कि आपको ये सब करना पड़ेगा, तो वो करने के लिए जब वो बोलते कि अच्छा ठीक है अब हम करते हैं, तो वो जब बोलते करते हैं तो वो कोचिंग एंगेजमेंट बन जाती है, क्योंकि अब उसमें हमने 3-4 चीजें आइडेंटिफाई की. वो एक सेशन को एक कंटिन्यूएशन में एक प्लान बनाना होगा कि हमने ये सोचा कि अच्छा चलो हमने ये 3-4 चीजें आइडेंटिफाई की हैं, ये 6-7 सेशन 8 सेशन में ये होगा, तो हमने एक एस्टिमेट उनको दिया कि 8 सेशन लगेंगे, 6 सेशन लगेंगे, हम ये सारी चीजें कवर करेंगे. अब उसमें हम कैसे उसको हम करेंगे, कैसे करेंगे, वो को क्रिएशन को कोलैबोरेशन हो सकता है कि वो क्लाइंट बोल सकता है मैं इस चीज में ज्यादा अटका हूँ, कैन वी लुक एट दिस फर्स्ट, देन वी कैन से या फिर एज अ कोच यू सी कि हाँ ये दे आर स्टक इन दिस, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज है, पर मैं इसका लिंक देख रहा हूँ इस चीज से, तो मेरे हिसाब से पहले इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि इस पे काम करेंगे तो दो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो ये इनको नहीं दिख रहा है, एज अ कोच आई कैन सी दैट, तो मैं फिर उनको रेकमेंड करना कि नहीं इसकी बजाय इस पे काम शुरू करो. करना तो सब कुछ ही है, 6-8 वीक्स में करना तो सब कुछ ही है, वी आर जस्ट प्लानिंग कि पहले क्या बाद में क्या एंड ऑल दैट, तो ये हम कर सकते हैं. या फिर कोई कोई चीजें ऐसी होती है कि तरुण ने मान लो ये पॉइंट्स, उसने कि उसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, हाँ ठीक है ये करते हैं अभी ये छोड़ते हैं. अब जैसे लेट्स से कार की आपने सर्विसिंग कराई, अब वो सर्विसिंग वाला बोल रहा है कि ये है, लेकिन फिर वो ये भी बोल रहा है कि हाँ ठीक है ब्रेक पैड्स नहीं चेंज कराए तो अभी 6 महीने और चल जाएंगे, तो 6 महीने चल जाएंगे ना, तो
6 महीने के बाद जब दोबारा सर्विसिंग कराऊंगा तब करा लूंगा, अभी अभी क्यों करना है, अभी तो बोल रहा है ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हम उस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि ठीक है अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ये पॉइंट्स बोल दिए हैं आई गेट इट, लेकिन अभी के लिए आई कैन लिव विद दीज प्रॉब्लम्स, आई नीड टू एड्रेस दिस क्योंकि परहैप्स आई हैव लिमिटेड बजट, आई हैव लिमिटेड टाइम, तो ये सारा काम करने में तो 6 महीने 3 महीने लगेंगे, लेकिन मेरे पास 1 ही महीने का बजट है कोचिंग का पे करने का। तो देन द कर्नल से ठीक है, तो फिर अभी हम सिर्फ इतने पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अभी बाकी सारी चीजें जो है छोड़ देते हैं, ठीक है अभी। हाँ, इफ आई पुट दिस टू अनूज कॉल फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, तो उसका कल आपने जो कहा वो वाज मोर टुवर्ड्स द व्हाट एंड व्हाई, इट वाज लाइक अ रियलाइजिंग मोमेंट फॉर हर कि हाँ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड ऑल दैट। सो नाउ दिस विल नीड टू बी इन सिंक विथ हर कोचिंग विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, करेक्ट? मतलब उनके जो भी कोच हैं आई एम श्योर विल ऑलरेडी बी ऑन द, हाँ इट कैन बी, सी वही तो बात हम बोल रहे हैं ना, शी टोल्ड अस कि शी इज टेकिंग प्रो बोनो सेशन फ्रॉम प्रेरणा, प्रेरणा वाजंट देयर यस्टरडे, तो हमें नहीं मालूम है ना कि वो किस टॉपिक पे, मैं थोड़ी उनसे पूछता हूँ कि वो किस टॉपिक पे ले रहे हैं किस पे नहीं ले रहे। अब वो तो उसका ये पॉइंट निकल के आया, अगर प्रेरणा के साथ वो ऑलरेडी इस चीज पे कर रही है तो शी कैन ऑलवेज टेक दिस रियलाइजेशन टू हर एंड से कि यस्टरडे आई हैड, और अगर प्रेरणा के साथ वो कोई अलग ही टॉपिक पे कोचिंग ले रही है तो ये भी निकल के आया, तो शी कैन देन टेक दैट टू प्रेरणा ऑल्सो से कि कल ओपन डिस्कशन में ये भी निकल के आया था, कैन वी ऑल्सो एड्रेस दिस, कैन वी ऑल्सो टेक दिस। हाँ, तो मतलब अगर कोचिंग किसी की चल भी रही है फॉर एग्जाम्पल, देन टू व्हेन अ पर्सन पार्टिसिपेट्स इन एन ओपन माइक थिंग, देन समथिंग कैन रियली इमर्ज आउट ऑफ इट थ्रू योर प्रोबिंग एंड दे सी एन एंगल व्हिच लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, बट अवनी मोस्ट केसेस में चीजें बाद में ही निकल के आती हैं, मोस्ट केसेस में आपकी एंगेजमेंट चल रही, क्लाइंट आएगा एक सर्टन रिक्वायरमेंट लेके, लेकिन आप ये देखोगे कि जैसे जैसे कोचिंग सेशंस प्रोग्रेस होगा, जैसे जैसे उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग और चीजों की बढ़ती है और कैन ऑफ फॉर्म्स खुलने लगते हैं, तो चीजें निकलती ही है बाद, ये ऐसा ही है, 10 में से 8 बार चीजें बाद में ही बाहर निकलती। ऐसा कोई नहीं चलेगा आपका कि एकदम सेट हो गया, क्योंकि दिस इज नॉट लाइक, ये ऐसा कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट की तरह नहीं है कि उन्होंने बता दिया ये है और आपने बस एक प्रोग्राम बनाया, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी फ्लूइड, बातें कर करके बहुत बातें निकलती हैं उसमें से। तो इसीलिए कल ओपन माइक में उसे बहुत कुछ मतलब she could just bang on, agree to whatever you know you were saying, and she was like, "Oh wow, I kind of got where I was stuck." हाँ हाँ, क्योंकि उसका प्रेरणा के साथ भी चल रहा है, हमारे साथ भी बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, तो चीजों एक ना एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि उसको हमारा स्टाइल समझ में आ जाता है, उसको हमारा हमारी बातें करने हम कैसे, मैं कैसे एग्जाम्पल देता हूँ क्या, तो वो ना समझ में आ जाता है, लोगों को क्लिक हो जाता है कि ये है, तो ओवर टाइम दे स्टार्ट टू गेट द पॉइंट। शी वाज यूजिंग प्लस, शी वाज यूजिंग आवर लैंग्वेज, ऐसा था मतलब वो पैटर्न वर्ड ज्यादा यूज कर रही थी हमारे से ज्यादा, ऐसा ऐसा हो गया। एग्जैक्टली तो लोग वो करने लगते हैं, तो दे कम टू द सेम टर्म, दे स्टार्ट यूजिंग द सेम टर्मिनोलॉजी एंड ऑल दैट, व्हिच इज गुड, क्योंकि फिर बात जो है वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, और यही कोई नया इंसान सुने इस कॉन्वर्सेशन को तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता है कि ये कितने टाइम से ये सब चीजें कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो वैसे और क्या होता है, जैसे जैसे आप
कोचिंग ले रहे हो, जैसे आप खुलना स्टार्ट करते हो, तो पहले क्या था, पहले बड़ी सारी चीजें आप दबा के रख रहे थे, आपको लग रहा था कि इसके बारे में क्या बात है, लेकिन जैसे जैसे चीजें खुलती हैं तो आपको खुद समझ में आता है, अच्छा तो मतलब फिर मैं ये भी तो मैं ऐसे कर रहा था, अब इसका मतलब देन आई शुड ऑल्सो टॉक अबाउट दिस, आई शुड, और रिक्वायरमेंट्स के टाइम पे आपको लग रहा था इसके बारे में क्या बात करनी है, तो ऐसे ही है, सभी लोग तो ऐसे ही होते हैं, सभी लोग तो ऐसे ही हैं, मेरे घर में तो सब, तो आपको ना वो नॉर्मल लगता है, लेकिन कोचिंग के थ्रू आपको ना बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज दिखनी शुरू हो जाती हैं चीजों में, और फिर चीजें निकल के आती ही हैं, क्योंकि आप खुद ही रोक रहे थे, पहले आपको लग रहा था ये तो नॉर्मल ही है, तो ऐसे ही होता है, तो सभी तो ऐसे ही करते, मेरे तो सारे फ्रेंड ऐसे ही बात करते, मेरे तो सारे फ्रेंड यही करते, मेरे तो घर में सब लोग ऐसे ही करते, बाद में आपको लगने लगता है कि जस्ट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं इसका मतलब थोड़ी ये नॉर्मल है, आई नाउ वॉन्ट टू एड्रेस दिस ऑल्सो, तो वो निकल के आता ही है बाद में, वो होता ही है, 10 में से 8 बार बाद में ही एमर्ज होती हैं चीजें।